चीन छोड़ने जा रहा है परम ब्रह्मास्त्र। चीन के इस ब्रह्मास्त्र से भारत से लेकर अमेरिका तक मचेगी तबाही। सी जिनपिंग बोले, अगर अब की बार आ गया तो आर या पार की होगी भारत से लड़ाई। भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है चीन। सी जिनपिंग के आने से क्यों चकरा गया है भारत का सर? इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे जिनपिंग। मोदी का सबसे बड़ा सरदर्द है चीन। डूबते ब्रिटेन को सिर्फ और सिर्फ भारत का है सहारा। कैसे बचेगा ब्रिटेन इस काली छाया लिस्ट्रस से? आखिर क्यों ब्रिटेन को इस महासंकट से बचा सकता है भारत? केवल भारत ही है ब्रिटेन की संजीवनी। भयंकर प्रदर्शन से उबल रहा है ब्रिटेन। कैसे उबरेगा ये महासंकट? लिस्ट्रस की कुर्सी से निकाल फेंकने को तैयार है जनता। आइए दोस्तों, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चीन ने भारत समेत पूरी दुनिया को डरा रखा है। दुनिया भर के देशों और खासतौर पर अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए नासूर बन चुके चीन पर सबकी निगाहें टिकी है। यह सी जिनपिंग एक बार फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस बार सीसीपी की बैठक में जिनपिंग को राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल मिलना तय माना जा रहा है। अगर राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार सी जिनपिंग को समर्थन मिलता है तो सी जिनपिंग मरते दम तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। इसके साथ ही जिनपिंग की तानाशाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल दोस्तों, इस सब से चीन के इतिहास में जिनपिंग का नाम काफी ऊंचा हो गया है। ठीक 5 साल पहले यानी अक्टूबर 2017 में सी जिनपिंग को दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने रहने का समर्थन मिला था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी का हर एक कार्यकर्ता सी जिनपिंग के लिए तालियां बजाकर स्वागत कर रहा था। तब जिनपिंग के चेहरे पर घमंड के साथ साथ एक मुस्कुराहट भी थी। इस बार भी ऐसे ही सी जिनपिंग का स्वागत होगा और चीन की मिलिट्री उन्हें पहले की तरह ही सलाम करेगी। चीन में विश्लेषक ये मान रहे हैं कि सी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तीसरे कार्यकाल में भी जिनपिंग देश के सबसे ताकतवर इंसान बने रहेंगे और उनके पास दो सबसे शक्तिशाली पद, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन का पद भी बरकरार रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि चीन में जिनपिंग अपराजय ताकत हासिल कर चुके हैं, जिसका असर ये होगा कि अब तानाशाही भरे फैसले लेने में वो पीछे नहीं हटेंगे। चीन में कोरोना का बहाना करते हुए लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, कई शहरों को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है और बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं है। कहा जा रहा है कि सी जिनपिंग को यह आशंका है कि जब उनके तीसरे कार्यकाल की दावेदारी पर मोहर लगेगी तो कहीं चीन में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना हो, इसलिए जिनपिंग ने कोविड-19 का बहाना लेकर एक बार फिर से लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। इसलिए ये तय माना जा रहा है कि चीन में जिनपिंग की तानाशाही अभी और बढ़ेगी। सवाल ये भी उठता है कि जिन 6 दिनों यानी कि 16 से 21 अक्टूबर तक बीजिंग में सीसीपी की ये बैठक होगी, उसके बाद दुनिया में क्या बदलेगा? इस बैठक का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या सी जिनपिंग के एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने जाने से हालात ऐसे ही रहेंगे या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कोई बदलाव होगा? सीसीपी की इस बैठक को 40 साल में पहली बार इतनी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चीन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत सी चुनौतियों से घिरा हुआ है। जिनपिंग का पूरा कार्यकाल भी विवादों से भरा हुआ रहा। कोरोना की वजह से चीन की इकोनॉमी की हालत खराब हो चुकी है। चीन में बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच चुकी है। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर का हाल बहुत बुरा हुआ है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी गिरावट दिख रही है। चीन की सप्लाई चेन में भी बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं। जिनपिंग के लिए घरेलू ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन ने रूस को समर्थन किया, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंध खराब हो गए। ताइवान की वजह से चीन और अमेरिका में तनाव है। इसके अलावा अमेरिका के साथ चीन की ट्रेड वॉर चल रही है। कोविड-19 की वजह से दुनिया में चीन की छवि भी खराब हो चुकी है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं भारत पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, सी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ भी चीन का बहुत बड़ा तनाव रहा। पहले डोकलाम में ऐसे लगा कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, वहां सेनाएं पीछे हटी तो फिर गलवान में भिड़ंत हो गई। 45 साल में पहली बार चीन और भारत के सैनिकों में ऐसी भिड़ंत हुई कि भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन को भी भारी संख्या में नुकसान उठाना पड़ा। चीन की भूमाफिया वाली ये भूख सी जिनपिंग के इस दूसरे कार्यकाल में भी सबने देखी, जिसका नतीजा गलवान था। इसलिए जब सी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत की भी बहुत सी चिंताएं होंगी। जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में भारत चीन के संबंध खराब होने की भी आशंका है। बरकरार रहेगा भारत चीन का तनाव। दोस्तों, जानकार मानते हैं कि भारत चीन बॉर्डर पर तनाव ऐसे ही रहेगा। यह भी माना जा रहा है कि LAC पर नया विवाद भी शुरू हो सकता है। चीन भारत की सेना को हिमालय में उलझाए रखना चाहता है ताकि वो समुद्र में अपना खेल कर सके। चीन 2035 तक एक हाईवे बना रहा है जिसका नाम है G695। ये 4.61 लाख किलोमीटर का मोटर हाईवे होगा
जो तिब्बत, नेपाल और बहुत से भारतीय इलाकों से होकर गुजरेगा। इस पर भी विवाद होना तय है। कुल मिलाकर चीन में जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल भारत समेत दुनिया के लिए ठीक नहीं रहने वाला। वहीं दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां डूबते ब्रिटेन ने भारत को गुहार लगाई। दोस्तों, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस जब से सत्ता में ऋषि सुनक को हरा कर आई है, तब से उनके खिलाफ असंतोष और विरोध बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस विरोध को रोकने में अब सरकार भी नाकाम रही है। संभव है कि लिज़ ट्रस ब्रिटेन के इतिहास की सबसे छोटे कार्यकाल की प्रधानमंत्री हो, जिनका कार्यकाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मतलब भारतीय से भिड़ने का ये खामियाजा ब्रिटेन के लिए ट्रस के मुंह पर कालिख लगा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बागी सांसद जो लिज़ ट्रस के विरोध में हैं, वो लगातार ऋषि सुनक को पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि सुनक प्रचार के दौरान लिज़ ट्रस की टैक्स कटौती की नीतियों का विरोध करते रहे। जब ट्रस प्रधानमंत्री बनी तो सभी ने देखा कि ऋषि का कहना एकदम सही था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यूगोव के एक सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी को खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। 51% लोगों ने कहा कि अगर कल चुनाव हो तो वो लेबर पार्टी का समर्थन करेंगे। सिर्फ 23% ने कहा कि वो कंजर्वेटिव पार्टी को ही वोट देंगे। पूरा ब्रिटेन हाहाकार से त्रस्त है और इस भयंकर संकट में ब्रिटेन को सिर्फ भारत के लाल ऋषि सुनक का सहारा है। ब्रिटेन में केवल ऋषि सुनक ही ऐसे लायक नेता हैं जो देश को डूबने से बचा सकते हैं, और उनको अपार जन समर्थन भी प्राप्त है। बताइए दोस्तों, अब सीधे सीधे हार रही है ना लिज़ ट्रस, जो पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री बन बैठी। इस भसड़ के बीच लिज़ ट्रस के वित्त मंत्री ने बवाल मचा दिया, जो पूरी अर्थव्यवस्था को ही पलटने जा रहा था। उनके इस कदम ने ब्रिटेन में हाहाकार मचा दिया। ब्रिटेन की मुद्रा डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। लिज़ ट्रस ने शुक्रवार को वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेज को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उनकी टैक्स कटौती की नीतियों ने वित्तीय बाजार में उथल पुथल मचा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कई कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने लिज़ ट्रस से इस्तीफा भी मांगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही $22 बिलियन की प्रस्तावित टैक्स कटौती योजना क्वासी लेकर आए हों, लेकिन ये प्लान हमेशा से लिज़ ट्रस का था। जब वो चुनाव में पार्टी सदस्यों से वोट मांग रही थी, तब भी उन्होंने टैक्स कटौती की घोषणा की थी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।